नगर में अनियमितता फैली है, वहीं सफाई व्यवस्था वार्ड में बंद पड़े मोटर पंप जैसे तमाम मुद्दे के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता ने भाटापारा नगर पालिका का घेराव किया है। पार्टी कार्यकर्ता ने हाथों में बैनर लिए नारेबाजी की है और नगर पालिका परिसर में पहुंचने की कोशिश की, जिससे पुलिस ने पहले ही रोक दिया। वहीं CMO लाल अजय बहादुर के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। प्रमुख मांग तो ये थी कि नगर पालिका का काम है कि मूलभूत समस्याओं को लोगों के हित में काम करने के लिए प्रेरित करना, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नगर में चाहे जल की व्यवस्था हो, चाहे प्रकाश की व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, जगह जगह में ढेर लगे हुए इन सारी समस्याओं को लेकर, उसके साथ साथ अभी हमारे क्षेत्र में डेंगू की गंभीर बीमारी से हमारे निकट हमारी छोटी बहन बोलना चाहिए जिसकी मृत्यु हुई है, इस विषय को लेकर भी हम नगर पालिका को यह सूचित करना है कि भविष्य सात सूत्री मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भाजपा पार्षद दल द्वारा आज नगर पालिका परिषद का घेराव किया गया। पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा पालिका प्रशासन का घेराव किया गया था और जिन मांगों को पालिका प्रशासन के सामने रखा गया था वो पूरी नहीं हुई, इसलिए आज हमारे द्वारा आम पब्लिक के साथ यहाँ प्रदर्शन किया गया। पालिका वगैरह की स्थिति में मतलब समस्या और समाधान आगे पीछे चलता रहता है। हमारे यहाँ 300 के आसपास बोर हैं, तो निश्चित रूप से 5 से 7% 10% बोर खराब होंगे, वो बनने जाएंगे, बन के लगेंगे और फिर नए बोर खराब होंगे, तो ये प्रक्रिया तो चल ही रही है। इसलिए आपने जैसे गौर किया होगा इस बार गर्मी में पेयजल की उतनी समस्या नहीं है, क्योंकि बारिश विलंब से आया, इसलिए आखिरी मोमेंट में लास्ट समय पे थोड़ी समस्या हुई थी। सफाई व्यवस्था को लेकर सफाई के लिए नाराजगी की बात आ रही है,